वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय विशाली। सो आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स की बहुत दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो थी वो फ्लूइड से रिलेटेड। तो उसमें बहुत सारे कमेंट मुझे एमएससी स्टूडेंट्स के आ रहे थे और कुछ मेल भी आए थे कि एमएससी स्टूडेंट्स के लिए आप फ्लूइड डायनामिक्स की वीडियोस बनाइए। तो ये जो वीडियो सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूं, ये बेसिकली मैं बैचलर्स या एमएससी स्टूडेंट जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, एमएससी मैथ्स या बीएससी मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं, उनको पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान पे रखते हुए उनके लिए बना रही हूं। ठीक है, तो आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि फ्लूइड डायनामिक्स में किस तरीके के क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में आते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपसे बेसिकली अच्छे लेवल की डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, लेकिन कंसेप्ट आपके बेसिक कंसेप्ट्स ही आपको आने चाहिए, तभी आप वो डेफिनेशंस लिख पाएंगे। सेकेंडली फ्लूइड डायनामिक्स में थ्योरम के प्रूफ भी आते हैं और थर्डली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स के जो टॉपिक हैं वो हम फिजिक्स में और मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे जो मैं वीडियोस बना रही हूं वो सिर्फ मैथ्स स्टूडेंट्स को ध्यान पे रखते हुए बनाऊंगी। तो उसी तरीके क्वेश्चन जो से एग्जाम में पूछे जाएंगे फ्लूइड डायनामिक्स में, तो मैं वही क्वेश्चन पे बेस्ड आपके लिए मैटर लेकर आऊंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई और टॉपिक स्टडी करना हो फ्लूइड डायनामिक्स का तो वो भी आप कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला चैप्टर जो है फ्लूइड डायनामिक्स का वो है काइनामेटिक्स। ठीक है, काइनामेटिक्स में जब आप अपनी बुक खोलेंगे या आपके पास जो भी प्रिस्क्राइब सिलेबस होगा उसमें आप देखेंगे तो पहले काफी सारी डेफिनेशन है, उसके बाद कुछ थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चन है। तो मैं वही आज पहली वीडियो में डिस्कस करूंगी आपके साथ, कुछ डेफिनेशंस और कुछ क्वेश्चंस, जिसमें एक क्वेश्चन जो मैं लेने वाली हूं वो यूजुअली एग्जाम में आ जाता है, वो है क्वेश्चन आपका ये जिसे कहते हैं एक्सप्लेन, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन यूलेरियन एंड लैग्रेंजियन मेथड। ठीक है, इन हाइड्रोडायनामिक्स तो आपको यूलेरियन मेथड के बारे में और लैग्रेंजियन मेथड के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप ये आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वन बाय वन अब डेफिनेशंस लेना शुरू करती हूं और फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहली हमारी डेफिनेशन है, यहां पे मैंने लिखा है डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहली हमारी डेफिनेशन है हाइड्रोडायनामिक्स के बारे में, कि हाइड्रोडायनामिक्स क्या होता है। ठीक है, यह है काइनेमेटिक का चैप्टर, जिसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी कहा जाता है, और मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं। हाइड्रोडायनामिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द मोशन ऑफ फ्लूइड और दैट आर द बॉडी दैट ऑफ बॉडी इन द फ्लूइड। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी फ्लूइड जिसमें मोशन हो, उसमें मतलब जो उसके पार्टिकल्स हो वो मूवमेंट में हो, उसको अगर हम स्टडी करें, ठीक है, तो वो जो स्टडी होती है वो हम हाइड्रोडायनामिक्स में करते हैं। या फिर अगर फ्लूइड में कोई भी बॉडी पड़ी हो या कोई भी ऐसे पार्टिकल्स हो, डस्ट पार्टिकल है कुछ, उनके मूवमेंट की वजह से फ्लूइड में मूवमेंट हो रहा हो, या उन डस्ट पार्टिकल्स फॉर एन एग्जाम्पल जो मैं ले रही हूं उनमें मूवमेंट हो रहा हो, तो वो मूवमेंट की स्टडी भी हम फ्लूइड डायनामिक्स में ही करते हैं। तो इसको हाइड्रोडायनामिक्स या फ्लूइड डायनामिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? इज सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके एलिमेंट्स को अगर पुश किया जाए या उनको प्रेशर प्रोवाइड किया जाए तो वो मूवमेंट करते हैं, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा सकते हैं। इस तरीके के सब्सटेंस को हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लिक्विड एंड गैसियस में। लिक्विड जो होती है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होती है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होती है नेचर में, वाइल जो गैसियस होती है वो कंप्रेसिबल नेचर के फ्लूइड। अब आप यहां पे देख सकते हैं कंप्रेसिबल मीन्स जिनको हम कंप्रेस कर सकें, ठीक है, और इनकम्प्रेसिबल जो कंप्रेसिबल ना हो नेचर की, ठीक है ना। अब यहां पे दिया गया, देखो फ्लूइड हैव द फाइव फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो फ्लूइड होता है उसके पास पांच फिजिकल प्रॉपर्टीज वो शो करता है, उसके पास डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड विस्कोसिटी जैसी फाइव फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके पास होती है, ठीक है, मतलब हम ये सब चीजें उसमें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है शेयरिंग स्ट्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शेयरिंग स्ट्रेस द टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए फ्लूइड। फ्लूइड में जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर आपके दो तरीके के फोर्सेस जो हैं एक्ट किए जा सकते हैं। पहला, वन ऑफ देम इज बॉडी फोर्स, पहला जो फोर्स एक्ट होता है वो बॉडी फोर्स होता है। दूसरा जो होता है वो सरफेस फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स में क्या अंतर है? द बॉडी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। बॉडी फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी बॉडी में लगा जाता है, तो दैट मीन्स वो फोर्स इतना होना चाहिए कि बॉडी का मास के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तभी वो उस बॉडी को एक मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है। समझ में आया? तो बॉडी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी ऑन विच इट इज एक्ट्स, वाइल सरफेस फोर्स एक्ट ऑन द सर्फेस। से ही समझ में आ रहा है, अब ये कोई सर्फेस है इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, सरफेस फोर्स इज एक्ट ऑन द बाउंड्री ऑफ द बॉडी, बॉडी की बाउंड्री में अप्लाई
किया जाता है एंड सो इट प्रोपोर्शनल टू द सर्फेस एरिया. तो वो सर्फेस एरिया के प्रोपोर्शनल होगा तभी वो फोर्स जो है उस बॉडी के सर्फेस में मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है. यहां पे एक डायग्राम भी मैंने बनाया है, आप देख सकते हो ये एक बॉडी है ठीक है, जिसमें शेयरिंग स्ट्रेस इस तरीके से लग रहा है और नॉर्मल स्ट्रेस इस तरीके से लग रहा है ठीक है, और ये सरफेस फोर्स है. अब यहां पे मैंने दो पॉइंट्स लिखे हुए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है और शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है. नॉर्मल से आपको समझ में आ रहा है जो परपेंडिकुलर वर्क करेगा फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस ठीक है. अगर किसी भी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है उस यूनिट एरिया पर तो उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं या फिर उसको प्रेशर कहा जाता है ठीक है. अब यहां पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर ये बॉडी है इस पर टेंजेंशियली फोर्स एक्ट करेंगे ओके, ये एक बॉडी है इस पर टेंजेंशियली फोर्स जब आप एक्ट करोगे तो वो जो आपका पर यूनिट एरिया जब टेंजेंशियल फोर्स एक्ट किया जाएगा तो उस फोर्स को हम शेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है परफेक्ट फ्लूइड. फ्लूइड इज सेड टू बी परफेक्ट इफ इट डज नॉट एक्सर्ट एनी शेयरिंग स्ट्रेस हाउएवर स्मॉल. एक ऐसे फ्लूइड को हम परफेक्ट फ्लूइड कहते हैं जिसमें हम शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर सकते या जिसमें शेयरिंग स्ट्रेस एक्सर्ट नहीं कर सकता. इस तरीके के फ्लूइड को परफेक्ट फ्लूइड कहा जाता है, इनविस्कस फ्लूइड कहा जाता है ठीक है, नॉन विस्कस फ्लूइड कहा जाता है, आइडियल फ्लूइड कहा जाता है या फ्रिक्शन लेस फ्लूइड कहा जाता है. क्योंकि फ्रिक्शन भी आपने पढ़ा होगा पहले फिजिक्स में कि टेंजेंशियल ही फोर्स फ्रिक्शन भी होता है ना, तो इसलिए इस तरीके का कोई भी फोर्स अगर किसी फ्लूइड में ना लगे तो उस तरीके के फ्लूइड को परफेक्ट फ्लूइड कहा जाता है. अब ये एक डेफिनेशन यूजुअली एक नंबर में आ जाती है, दैट मीन्स ये डेफिनेशन यूजुअली एक नंबर में आ जाती है. डिफरेंस बिटवीन द रियल फ्लूइड एंड द परफेक्ट फ्लूइड क्या होता है ठीक है ना. रियल फ्लूइड इज द विस्कस एंड कंप्रेसिबल. रियल फ्लूइड क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है, वो फ्लूइड जो विस्कस हो नेचर में या कंप्रेसिबल हो. द मेन डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लूइड एंड द परफेक्ट फ्लूइड इज दैट स्ट्रेस अक्रॉस एनी प्लेन सर्फेस ऑफ परफेक्ट फ्लूइड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस ठीक है. यहां पे दिया गया है रियल फ्लूइड और परफेक्ट फ्लूइड में सबसे ज्यादा अंतर ये रहता है कि जो स्ट्रेस रहता है ना प्लेन के अकॉर्डिंग, जो प्लेन आपके पास है उसमें अगर आप देखोगे तो स्ट्रेस की जो वैल्यू रहती है वो परफेक्ट फ्लूइड के केस में नॉर्मल रहती है सर्फेस के, वाइल ये कंडीशन रियल फ्लूइड के लिए ट्रू नहीं होती. इस वीडियो में मैं मैक्सिमम आपको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगी और नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल पोर्शंस करेंगे ठीक है. ये सिक्स्थ डेफिनेशन आपकी पूरी हो गई है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको कहते हैं विस्कोसिटी. विस्कोसिटी जो टर्म है उसका क्या मतलब है वो यहां हम समझेंगे. विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ रियल फ्लूइड. विस्कोसिटी रियल फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे ऑफर सम रेसिस्टेंस टू शियरिंग. इस तरीके से कि देखो हमने आपको बताया था कि रियल फ्लूइड और परफेक्ट फ्लूइड क्या होता है. परफेक्ट फ्लूइड होता है जिसमें शियरिंग स्ट्रेस, यहीं पे मैंने आपको बताया था. देखिए परफेक्ट फ्लूइड क्या होता है, परफेक्ट फ्लूइड जो होता है वो इनविस्कस होता है, नॉन विस्कस नेचर में होता है जिसमें शेयरिंग स्ट्रेस नहीं लग सकता. इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, रियल फ्लूइड क्या होगा, रियल फ्लूइड विस्कस होगा नेचर में जिसमें शेयरिंग स्ट्रेस भी लग सकता है. तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल फ्लूइड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे ऑफर सम रेसिस्टेंस टू द शियरिंग, दैट इज स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ वन पार्टिकल पास्ट और नियर द अनदर पार्टिकल. विस्कस जो प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है ना, रेसिस्ट करती है एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से. एक पार्टिकल जब चल रहा है और दूसरे पार्टिकल को उसकी एनर्जी ट्रांसफर जब होती है, उस एनर्जी को ट्रांसफर करने में रेस्ट्रिक्ट करने का काम जो करते हैं ना, वो विस्कोसिटी नेचर ही करता है ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड, और इसको इंटरनल फ्रिक्शन भी कहा जाता है फ्लूइड का ठीक है. ऑल नोन फ्लूइड हैव दिस प्रॉपर्टी इन वेरिंग डिग्री. हर एक फ्लूइड की अपनी अपनी विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होती है और वो मीन्स डिफरेंस होता है विस्कोसिटी में, आप ये समझ सकते हो ठीक है. लेवल ऑफ विस्कोसिटी में डिफरेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन एंड ऑयल इज लार्ज इज कंपेरिजन एज कंपेरिजन टू विस्कोसिटी ऑफ वाटर एंड गैसेस. अगर वाटर एंड गैसेस को कंपेयर किया जाए तो ग्लिसरीन और ऑयल के केस में विस्कोसिटी की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है ठीक है ना. यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आया है वेलोसिटी. इस तरीके की जो वेलोसिटी फ्लक्स ये सब चीजें आपके आगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. वेलोसिटी आपको वैसे ही पता है कि वेलोसिटी क्या होती है. वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. लेकिन यहां पे देखिए हमने किस तरीके से लिखा है,
वी डिफाइंड डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल आर अपॉन डेल टी. डेट मीन्स कि किसी एक पार्टिकल में मूवमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसको हमने डेल आर से शो कर दिया, और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी हुआ तो इसको डेल टी से डिवाइड कर दिया. ठीक है ना, तो ये आपको दिख गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टी के. ठीक है, इसी को जो हम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो करके लिखेंगे तो इसको राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं dr upon dt. The vector dr upon dt is defined. The vector dr upon dt is defined as velocity of the पार्टिकल एट पॉइंट की. किसी पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो हम क्यू से शो करेंगे, स्मॉल क्यू से, और उसको हम फॉर्मूला वाइज डी आर अपॉन डी टी से शो कर सकते हैं. क्यू इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी. अब क्यू क्या है, क्यू आपकी हो गई वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, फंक्शन हो गई डिस्प्लेसमेंट और टाइम की. तो इसको इस तरीके से लिखा गया, यहां पे चाहे आप देख भी सकते हैं, यहां पे ओक्यू एक लाइन बनाई गई है, इस तरह से ओपी एक पॉइंट, ओपी भी एक लाइन बनाई गई है. पी पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट जो है ओ से पी का वो आर है, तो इसमें जो वेलोसिटी आएगी विद रिस्पेक्ट टाइम टेकिंग वो डेल आर अपॉन डेल टी होगा. ठीक है, अब वो डेल आर अपॉन डेल टी होगा. अब नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं, जिसको कहते हैं फ्लक्स या फ्लो. ठीक है, जिसे कहते हैं फ्लक्स या फ्लो अक्रॉस एनी सरफेस. किसी सरफेस पर मतलब किसी सरफेस के अलोंग फ्लूइड का मूवमेंट होना या फ्लक्स, वो एक ही चीज होगी. ठीक है ना, फ्लक्स वर्ड भी आप बार बार आगे चैप्टर में स्टडी करेंगे. द रेट ऑफ फ्लो दैट इज फ्लक्स अक्रॉस एनी सरफेस एस, किसी सरफेस एस पे जो रेट ऑफ फ्लो है, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है. ठीक है, किसी सरफेस के रिस्पेक्ट में एस इज डिफाइंड एज द इंट्रीगल. उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है फ्लक्स को, इंट्रीगल विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एस रो क्यू एन डी एस. ठीक है, रो क्यू एन डी एस. अब वी ऑल्सो डिफाइन एज फ्लक्स, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया. इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं. फ्लक्स इज इक्वल्स टू, देखिए मैंने अभी बताया था कि रो जो होता है आपका डेंसिटी हो गई, क्यू अभी हमने पढ़ा नॉर्मल वेलोसिटी हो गई, एन क्या होता है, एन होता है आपका आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, एन रिप्रेजेंट करता है आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर को. और यहां पे जो डीएस की बात की गई है, ये बात की गई उस स्मॉल सर्फेस एरिया के बारे में. ठीक है, उस स्मॉल एरिया के बारे में, एरिया ऑफ द सर्फेस के बारे में. तो ये आपका फॉर्मूला बन गया फ्लक्स का, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू योर आउटवर्ड वर्ड नॉर्मल वेक्टर इन एंड द स्मॉल सर्फेस एरिया विच इज इक्वल्स टू योर फ्लक्स. ठीक है, जो फोर्स एक्ट हो रहा है किसी स्मॉल सर्फेस एरिया में, तो उसको हम फ्लक्स से बात कर रहे हैं. ठीक है, उसको हम फ्लक्स कह रहे हैं. और वो किस तरीके का सर्फेस एरिया है, किसका है वो, ये वो वॉटर का, ये फ्लूइड का सर्फेस एरिया, क्योंकि उसमें मूवमेंट भी है. इसलिए हम यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी को भी कंसिडर कर रहे हैं फॉर्मूले में. ठीक है, दिस इज ऑल द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स. अब यहां पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में, सबसे इंपॉर्टेंट यही है एक क्वेश्चन जो यूजुअल एग्जाम में आता है. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन यूलेरियन एंड लैग्रेंजियन मेथड. ठीक है, इन हाइड्रोडायनामिक्स. तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि लैग्रेंजियन मेथड क्या होता है और यूलेरियन मेथड क्या होता है. दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल वाइस वर्सा, एक वाइट है तो एक ब्लैक है, इस तरह समझिए. लैग्रेंजियन मेथड कहता है कि अगर हमारे पास कोई अगर मैं कोई फ्लूइड लूं, ठीक है, अगर मैं उस फ्लूइड में कुछ पॉइंट्स मार्क करूं और उनका मूवमेंट देखना चाहूं, ठीक है ना, तो एक पार्टिकल मैंने ले लिया ए, जिसका मूवमेंट मैं ले रही हूं थ्री डायमेंशन में हो रहा है, एक्स वाई जेड में अगर मैं लूं, तो उसका जो पार्टिकल का जो मूवमेंट है, तो वो ए पोजिशन पे, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स ए बी सी है और वो बी पोजिशन पे पहुंच गया, ए पोजिशन पे था और वो बी पोजिशन पे पहुंच गया, तो उसके पार्टिकल ए बी सी थे और किसी टाइम को ट्रेवल करके वो किसी दूसरी पोजिशन पहुंच जाएंगे, तो ऑब्वियसली एबीसी की वैल्यू एक्स वाई जेड हो जाएगी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम टी. तो यही हम पढ़ेंगे, क्योंकि उन पार्टिकल्स में देखिए आप मूवमेंट होगा विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम टी, तो दैट मींस कि वो जो मूवमेंट है और डिस्प्लेसमेंट है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उनकी वेलोसिटी. तो दैट मींस उनको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और क्योंकि उनमें वेलोसिटी की प्रेजेंस है तो उनमें एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसका मतलब उनका डबल डेरिवेटिव भी हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब उनको सेकंड टाइम भी उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी उनका किया जा सकता है. तो ये सब बात करता है लैग्रेंजियन मेथड की. आप एक बार पढ़ते हैं फिर ज्यादा क्लियर होगा. इन दिस मेथड एनी पार्टिकल ऑफ ए फ्लूइड, कोई पार्टिकल हमने सेलेक्ट कर लिया फ्लूइड का, एंड इट्स मोशन इज स्टडी, हमें उसके मोशन की स्टडी करनी है. ठीक है, हमने लेट ए फ्लूइड पार्टिकल
बी इनिशियली एट द पॉइंट एबीसी कोई पार्टिकल हमने लिया, ए हमने ए कोई पार्टिकल ले लिया, ठीक है, वो एबीसी पॉइंट पे है हमने कहा, ठीक है ना. आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम दैट मीन्स आफ्टर व्हेन सम टाइम पास लेट द, क्योंकि मूवमेंट है फ्लूइड में तो ऑब्वियसली वो पार्टिकल तो एक पोजिशन पे स्टैंड नहीं रहेगा, इट विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो लेट द सेम फ्लूइड पार्टिकल बी एट एक्स वाई जेड. अब वही पार्टिकल जो है टी टाइम पे एक दूसरी पोजिशन पे पहुंच गया. तो जैसे मैंने कहा कि पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पोजिशन पे है, दैट मीन्स उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो किस पोजिशन पे है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे. इसी तरीके से वो दूसरी पोजिशन में पहुंचा तो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, तो अब वो बन गया हमारा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बन गया, ठीक है. पहले एबीसी पोजिशन पे था, अब एक्स वाई जेड उसकी वैल्यू बन गई, ठीक है. अब यहां पे आते हैं, इट इज ऑब्वियस दैट एक्स वाई जेड आर द फंक्शन ऑफ टी, ऑब्वियसली क्योंकि विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम टी मूवमेंट हो रहा है, तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फंक्शन टी के, वो क्या है, फंक्शन है टी के, आर द फंक्शन ऑफ टी, वो डिपेंडेंट है टी पे, आप ये कह सकते हो. हियर इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल पोजिशन. सो फाइनल पोजिशन क्या होंगे, एक्स वाई जेड थे, वो डिपेंड कर रहे हैं टी पे, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम एबीसी. एबीसी से पार्टिकल का मूवमेंट स्टार्ट हुआ और वो रीच करें किसी टाइम टी पे एक्स वाई जेड पे, ठीक है. तो जो फाइनल पोजिशन है ना एक्स वाई जेड, वो किस पे डिपेंड होगी, वो किस पे डिपेंड होगी, वो डिपेंड होगी इनिशियल पोजिशन पे और टाइम टी पे. तो इसीलिए दिखाया गया है कि एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए बी सी एंड टी. इसी तरीके से जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वाई, इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ ए बी सी एंड टाइम टी. इसी तरीके से जेड जो है वो भी फंक्शन होगा ए बी सी एंड द टाइम टी, ए बी सी एंड द टाइम टी, ठीक है. अब यहां पे आते हैं, इफ द मोशन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, अगर मोशन जो है उस फ्लूइड में कॉन्टिन्यूअस मोशन है, मीन्स कॉन्स्टेंट डिस्टेंस से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट टाइम टेकन, कॉन्स्टेंट टाइम पे मूव कर रहे हैं, तो जो फंक्शन एफ वन एफ टू एफ थ्री है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे, क्योंकि जो मूवमेंट है पार्टिकल का वो कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल है. देन वी कैन अज्यूम दैट द फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ ए बी सी टी एग्जिस्ट. इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने अभी बताया पार्टिकल में मूवमेंट है और विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम दे आर मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, तो इस तरीके से वहां पे उनके पास कुछ स्पीड भी होगी और उनके पास कुछ एसेलरेशन भी होगी. जब वो कॉन्टिन्यूअस स्पीड से मूव करते तो कॉन्स्टेंट एसेलरेशन हमें मिलेगा. इसी तरीके से हम उनके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. तो यही दिखाया गया है यहाँ पे. द कॉम्पोनेंट ऑफ एसेलरेशन ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल्स आर, अब जो कॉम्पोनेंट होंगे एसेलरेशन के तो वो क्या बन जाएंगे, डेल टू एफ वन अपॉन डेल टी स्क्वायर, इस तरह से डेल टू एफ टू अपॉन डेल टी स्क्वायर, इस तरह से डेल टू एफ टू अपॉन यहां पे एफ थ्री होना चाहिए, डेल टू एफ थ्री अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है. इसको किस तरह से दिखाते थे फिजिक्स में, हम एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट और जेड डबल डॉट की तरीके से. आई होप ये क्लियर होगा. तो ये लैग्रेंजियन मेथड की जो डेफिनेशन है ना, आई थिंक दिस इज सेल्फ सफिशियंट आपको मार्क्स गेन करने के लिए. अब नेक्स्ट डेफिनेशन आते हैं, दैट इज कॉल्ड इज यूलेरियन मेथड. यूलेरियन जस्ट इसका अपोजिट है. वहां पे तो हमारे पास जो फ्लूइड था ना वो मूवमेंट कर रहा था, तो इसलिए हम उसके जो पार्टिकल्स हैं किसी भी पार्टिकल को पकड़ के उसकी स्टडी कर रहे थे, देख रहे थे कि किस तरह से मूव कर रहा है. यहां पे जो है ना हमारे जो फ्लूइड है वो एक कॉन्स्टेंट है, रुका हुआ है, स्टेग्नेंट फ्लूइड है. इसका मतलब जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर पोजिशन पे हैं और उनमें मूवमेंट नहीं हो रहा है. जब पार्टिकल्स में मूवमेंट ही नहीं हो रहा तो उसमें विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम टेकिंग दे आर कॉन्स्टेंट एट देयर प्लेस, तो टाइम के वो फंक्शन ही नहीं है, अपनी प्लेस पे है. एंड सेकेंड पॉइंट इज कि दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, तो ना ही उनको स्पीड की जरूरत है और ना ही उनकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स एसेलरेशन भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा. तो ना तो पार्टिकल के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन बनेंगे उनका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ना सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा. तो इससे जस्ट अपोजिट हो गया, क्योंकि पार्टिकल फिक्स पोजिशन पे है तो वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, एक दूसरे पे किसी भी फैक्टर से डिपेंड नहीं कर रहे. यही आपका यूलेरियन मेथड का कंसेप्ट होता है, ठीक है. इन दिस मेथड एनी पॉइंट फिक्स्ड इन ए स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लूइड, फिक्स्ड स्पेस पे पार्टिकल है इन ए सॉल्यूशन, एंड वी ऑब्जर्व दैट चेंज इन द स्टेट ऑफ फ्लूइड एज द फ्लूइड पासेस थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है. अगर पार्टिकल जो है वो एक पोजिशन पे है तो वही स्टेग्नेंट है. सिंस द पॉइंट इज फिक्स्ड एंड सो एक्स वाई जेड, अब यहां पे कहा गया है सिंस द पॉइंट इज फिक्स्ड एंड सो एक्स वाई जेड टी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. यहां पे जो वेरिएबल्स जो पोजिशंस हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और वो टाइम पे भी डिपेंड नहीं कर रही है. ओके, हेंस द सिंबल, इसका मतलब क्या है कि स्पीड और एक्सेलरेशन वैल्यूज जो है पार्टिकल्स की एक्स वाई जेड की वो एग्जिस्ट
नहीं करती। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। इस वीडियो में हमने समझा काफी सारी डेफिनेशंस, फ्लूइड क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, और लैग्रेंजियन मेथड और यूलेरियन मेथड में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करिएगा। मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि जो ये वीडियोस हैं ये बीएससी और एमएससी मैथ्स स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रही हूँ, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटी में उस तरीके से, ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें और आप इन वीडियोस को देख के अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। और जो टॉपिक मेरी तरफ से रह गया हो या कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट के द्वारा भी मुझे बता सकते हैं, और आपकी कोई क्वेरी हो तो वो मैं भी आंसर कर सकती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या लेकर आने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि यहां पर हमने बहुत सारी चीजें सीखी। तो नेक्स्ट में, क्योंकि हमने यहां पर वेलोसिटी के बारे में समझ लिया, फ्लूइड के बारे में समझ लिया, स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में समझ लिया, तो इजीली हम अब एक्सेलरेशन पे मूव कर सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमें सॉल्व करना है एक्सप्रेशन, और नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं काइंड्स ऑफ मोशन की, वो भी एग्जाम में आ जाती है। तो ये दोनों टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कवर करूंगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।